बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बच्चों क्लास ट्वेल्थ में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थिति का आधुनिक वर्गीकरण। कल जो है हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंट डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी देखे एंड टाइप ऑफ इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिक और सम पारिस्थितिक के बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिक का आधुनिक वर्गीकरण, इकोलॉजी को और कितने भागों में, कितने ब्रांचों में डिवाइड किया गया है, उनके बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, एक एक करके देखा जाए। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का आधुनिक वर्गीकरण, ये पार्ट टू हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म लेसन जो 13 है उसके अंतर्गत का इकोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म। पहला है प्रोडक्शन इकोलॉजी, उत्पादन इकोलॉजी। ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन इकोलॉजी, इकोलॉजी की इस ब्रांच में, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत, प्रोडक्शन इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कृषि और एक्वेटिक इकोलॉजी, जलीय पारिस्थितिकी की ग्रास प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी, सकल उत्पादकता और कुल उत्पादकता से रिलेटेड परितंत्र के बारे में अध्ययन किया जाएगा, और उसके बारे में रिलेटेड जो नेट प्रोडक्टिविटी है और ग्रास प्रोडक्टिविटी के आधार पर जो उसके पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसी को प्रोडक्शन इकोलॉजी। इसका ऑब्जेक्ट है इनकी प्रोडक्शन, बिकॉज उत्पादन के बढ़ते मांग, उत्पादन के बढ़ते क्रम हेतु जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके संचालन के कार्य, संचालन के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब कृषि की जगत में जैसे आप देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स, फाउंडेशन सीड्स, डंकल सीड्स, एटीसी विच गिव द मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन इन लाइफ स्पान, जो अपने जीवन चक्र में अधिकतम फसल उत्पादन दे सके, यही मुख्य उद्देश्य है प्रोडक्शन इकोलॉजी का। दूसरा है बच्चों जीन इकोलॉजी, जीन पारिस्थितिकी क्या है। इन दिस कंडीशन या इन दिस ब्रांच ऑफ इकोलॉजी जो है, जीन वेरिएबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जीन स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन इन द स्पीशीज, जीन संरचना के आधार पर जिनमें भिन्नताएं दिखाई देती हैं उसी को जीन वेरिएबिलिटी, और ये जीन के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन, पारिस्थितिकी अनुकूलन के फलस्वरूप वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, स्थानांतरित होती रहती है, अर्थात दीज आर हेरिटेबल, ये आनुवंशिक हो जाती है, जिससे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसी नई जातियों के विकास होते हैं, और इन नई जातियों के विकास के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अर्थात इकोलॉजी की शाखा के अंतर्गत जीन विभिन्नता और पारिस्थितिकी अनुकूलन के फलस्वरूप जो नई जातियों की उत्पत्ति होती है, और जिन आप न्यू स्पीसी उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला है बच्चों पैलियो इकोलॉजी, पूरा पारिस्थितिकी। पैलियो इकोलॉजी का मतलब पूरा, पैलियो बॉटनी जानते हैं, पूरा तत्व विज्ञान, पूरा तत्व वनस्पति, वो फॉसिल जो है बॉटनी होती है। इन दिस कंडीशन, इस अवस्था में प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का विकास जो है, आदिकाल के जीवों का, उस समय का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी वातावरण
पारिस्थितिक वातावरण से क्या रिलेशन है, ये रिलेशन से क्या विकासीय संबंधों की जानकारियां मिलती हैं, आजकल के जो पुराने जीव हैं उस समय का आज के वातावरणीय पारिस्थितिक वातावरण में क्या संबंध है, उसके विकासीय क्रम की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से उसी का अध्ययन किया जाता है। रिलेशन के विकासी क्रमों का या परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, इसको पूरा पारिस्थितिकी या बायो इकोलॉजी कहते हैं। इनर्जेटिक इकोलॉजी, ऊर्जात्मक पारिस्थितिकी, ये क्या है? ऊर्जात्मक एनर्जी, बच्चों एनर्जी, कोई भी कार्य बगैर ऊर्जा के नहीं हो सकता, और ऊर्जा का स्रोत है फूड, भोजन, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये बायोलॉजिकल एनर्जी जीव जैविक शरीर में, जीव शरीर में बायोलॉजिकल एनर्जी का मेन स्रोत है ग्लूकोज, फूड, इसी के ऑक्सीकरण, जारण, श्वसन के फलस्वरूप ये एनर्जी उत्पन्न होती है। जबकि केमिकल एनर्जी आप भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं, जानते हैं। तो एनर्जेटिक इकोलॉजी में स्टडी दी एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, जैसे पलतंत्र में ऊर्जा प्रवाह, एक खाद्य श्रृंखला में जैसे घास है, मेंढक है, टिड्डा है, घास है, टिड्डा है, जैसे घास को में सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई, अब घास को टिड्डा खाया तो उसकी ऊर्जा टिड्डे में आई, फिर टिड्डे को मेंढक भोजन के रूप में खाया तो टिड्डे की कुछ ऊर्जा जो है मेंढक में आई, और मेंढक को जब सांप खाया तो कुछ ऊर्जा सांप में आई। इस तरह से एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, अर्थात एनर्जी फ्लो एंड कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण इन इकोसिस्टम, किसी भी परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह और ऊर्जा के संरक्षण के बारे में इस एनर्जेटिक इकोलॉजी जो है ऊर्जात्मक पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस खाद्य श्रृंखला में जानते हैं, एक सरल खाद्य श्रृंखला, जैसे आप देखते हैं कि एक सरल खाद्य श्रृंखला में आप घास है, टिड्डा है, मेंढक है, सांप है, तो घास में सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा जो आती है, सपोज करिए 1000 किलो कैलोरी, तो उसका 10% जो है अवशोषित हो पाती है, शेष वातावरण में विसरित हो जाती है, फिर घास को जब टिड्डा लेता है तो उसका 10% टिड्डे में, फिर टिड्डे को जब मेंढक लेता है भोजन के रूप में तो उसका 10% मेंढक में, और मेंढक को जब सांप खाता है तो सांप में मेंढक की ऊर्जा का 10% अवशोषित होता है। लिंडेमान के 10% एनर्जी लॉ के अनुसार, तो इस शाखा के अंतर्गत जो है परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम एंड एनर्जी कंजर्वेशन इन इकोसिस्टम, और ऊर्जा का संरक्षण कितना हुआ पारिस्थितिक तंत्र में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा का क्या संरक्षण हो रहा है, कितना संरक्षण हो रहा है, जैसे ईच ट्रॉफिक लेवल कंजर्व एनर्जी 10% अकॉर्डिंग टू लिंडेमान 10% एनर्जी लॉ, जैसे कि प्रत्येक पोषी स्तर में लिंडेमान के 10% ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक कोशी स्तर पर 10% ऊर्जा अवशोषित संरक्षित होती है, शेष वातावरण में विसरित हो जाती है। तो बच्चों इस तरह से एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी कंजर्वेशन इन इकोसिस्टम स्टडी बाय द एनर्जेटिक इकोलॉजी। अगला है रेडिएशन इकोलॉजी, विकिरण ऊर्जा स्टडी दी रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है और उसका देयर रेडिएशन, उसके क्या प्रभाव है ऑन ऑर्गेनिज्म, जीवों पर, किसी परितंत्र में जो जीव है उन जीवों पर इस रेडियो एक्टिव पदार्थों और उसको रेडिएशन विकिरण के क्या इफेक्ट है, उस इफेक्ट का अध्ययन जो है रेडिएशन इकोलॉजी कहलाता है। जैसे आप देखते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा में जो एटम बम विस्फोट हुआ था, उसके प्रभाव से वहाँ के लोगों के जनन द्रव्य, जन प्लाज्म हो गए, जिससे आज भी वहाँ की लोग की संतानें लंगड़ी लुड़ी अपाहिज पैरालाइज उत्पन्न होती है, क्योंकि इस रेडिएशन का इफेक्ट जो है जन प्लाज्म पर पड़ा, जीन पर पड़ा,
डीएनए पर पड़ा और प्रभावित करके उस जीन को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, जिससे पैरालाइज जो है रोजनी फार्म होती है। इन सब का अध्ययन बच्चों इस रेडिएशन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला हैबिटेट इकोलॉजी, हैबिटेट स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। इकोलॉजी का अध्ययन जो है वास स्थान के आधार पर किया जाता है, अर्थात जो जीव जहाँ रह रहा है उसका कैसा हैबिटेट है, किस वास स्थान में रह रहा है, उसके आधार पर जब स्टडी किया जाता है, इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हैबिटेट इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कोई जीव जंगल में रह रहा है तो फॉरेस्ट इको सिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में वन पारिस्थितिक तंत्र हो गया। यदि कोई डेजर्ट रेगिस्तानों में रह रहा है तो डेजर्ट इको सिस्टम हो गया। यदि कोई जल में है तो जली पारिस्थितिक तंत्र, फ्रेश वाटर इको सिस्टम और इत्यादि। तो फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेजर्ट इकोलॉजी एंड फ्रेश वाटर इकोलॉजी ईटीसी, ये सब क्या है, हैबिटेट। उस जीव के वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है या उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे स्वच्छ जल का पारिस्थितिक तंत्र, जलीय जीव, वन में रहने वाले जीव, रेगिस्तानों में पाए जाने वाले जीव, इनका एक अलग हैबिटेट होता है। तो जब इकोलॉजी का स्टडी हैबिटेट के आधार पर किया जाता है तो उसको हैबिटेट इकोलॉजी जो है वास स्थान पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला है बच्चों कंजर्वेशन इकोलॉजी, स्टडी नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, प्राकृतिक संपदाएं नेचर के द्वारा दी हुई जो संपत्तियां हैं, ह्यूमन वेलफेयर मानव जो है, ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण के लिए उनका अध्ययन किया जाता है। तो कंजर्वेशन इकोलॉजी में जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो मानव जीवन के लिए कितना कल्याणकारी हैं, किस तरह से ह्यूमन वेलफेयर में प्रभावी होती हैं। जैसे वाटर जल है, सॉयल मृदा है, सी समुद्र है, फॉरेस्ट है। जानते हैं जल वाटर बहुत ही ये महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संपदा है, क्योंकि जल ही जीवन है। बगैर जल के कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। पौधों की सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए वाटर इज नेसेसरी एंड सॉयल। यदि मृदा न हो, मिट्टी न हो, तो मनुष्य किसी चीज को उपजाएगा नहीं। अर्थात मिट्टी सोना है मनुष्य के लिए। उसमें भिन्न भिन्न पेड़ पौधों वनस्पतियों को उगाया जाता है और उससे पैसे, आर्थिक इकोनॉमिक वैल्यू प्राप्त होती है। अगला है सी समुद्र में और फॉरेस्ट वन पारिस्थितिक तंत्र। वन भी एक प्राकृतिक संपदा है जिससे फल फूल लकड़ियां, इमारती लकड़ियां मकानों के लिए, फर्नीचर्स के लिए प्राप्त होती हैं। जैसे डलबर्दिया सीसो, कैक्टोना ग्रैंडिस इत्यादि, ये कीमती लकड़ियां फर्नीचर के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। अगला है पॉल्यूशन प्रदूषण। बच्चों सब जगह प्रदूषण देख रहे हैं, पॉल्यूशन इकोलॉजी। इन दिस कंडीशन स्टडी ऑफ फॉरेस्ट फैक्टर्स, स्टडी ऑफ फैक्टर्स इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। वातावरणीय प्रदूषणों इस शाखा के अंतर्गत जो है वातावरणीय प्रदूषण के कारकों, प्रभाव और उनके बचाव के उपायों का अध्ययन किया जाता है, इसको पॉल्यूशन इकोलॉजी। तो पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट दोज टाइप ऑफ फैक्टर पॉल्यूशन इज नोन एज पॉल्यूटेंट। ऐसे कारक जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। तो बच्चों इस तरह से जैसे एयर पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ, ठीक है, तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रदूषणों के बारे में, सॉयल पॉल्यूशन हुआ, भिन्न भिन्न प्रदूषणों के बारे में, उनके कारकों, प्रभावों और बचाव के लिए उपायों के बारे में अध्ययन जो है पॉल्यूशन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, प्रदूषण पारिस्थितिकी। इस तरह से आज इस हम लोग वीडियो में मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का आधुनिक वर्गीकरण पढ़ा गया बच्चों। तो इस डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी को आप पढ़ें।
में लर्न करेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू।